गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम पूजा कुमारी फ्रॉम नाथ पब्लिक स्कूल। आज हम लोग क्लास थ्री का इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश चैप्टर फाइव, क्रिएचर इन द क्लोसेट। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को समझा था, इस स्टोरी को, और आज की इस वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले आप लोग जो है अपना बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 42 पर आएंगे हम लोग। वहाँ देखेंगे जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड राइट आफ्टर तरुण वेंट इनटू रोहित रूम, कि जैसे ही तरुण रोहित के रूम में गया तो क्या हुआ। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है रोहित जंप्ड इनटू तरुण्स बेड, ऑप्शन बी है तरुण ग्रैब्ड अ फ्लैशलाइट फ्रॉम हिज डेस्क ड्रावर, ऑप्शन सी है रोहित अवोक टू स्ट्रेंज साउंड कमिंग फ्रॉम हिज बेडरूम क्लोसेट, ऑप्शन डी है तरुण हियर द नॉइज कमिंग फ्रॉम रोहित क्लोसेट। तो हमारा इसमें आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी, रोहित अवोक स्ट्रेंज साउंड कमिंग फ्रॉम हिज बेडरूम क्लोसेट, हिज बेडरूम क्लोसेट। ये हो गया हमारा ऑप्शन आंसर। तो हम लोग को किस में टिक लगाना है, ऑप्शन सी में टिक लगाना है। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम लोग सेकंड का आंसर देखेंगे, व्हाट डिड तरुण प्लान टू डू विद द पिलोकेस, तरुण जो है उसने पिलो केस के साथ क्या करने का योजना बनाया था। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपका, आप लोग बुक में देखिएगा, बुक में जो है ऑप्शन दिया हुआ है, कीप द क्रिएचर फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द क्लोसेट, ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी में स्केयर द क्रिएचर इन द क्लोसेट, ऑप्शन सी कैच द क्रिएचर इन द क्लोसेट, और ऑप्शन डी है हिट द क्रिएचर इन द क्लोसेट। तो इसका होगा हमारा जो आंसर है, इसका आंसर हम लोग देखेंगे, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, व्हाट डिड तरुण प्लान टू डू विद द पिलो केस, तरुण ने पिलो केस के साथ क्या करने का प्लान बनाया। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए कि द क्रिएचर फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द क्लोसेट। ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट वाज मेकिंग द स्ट्रेंज साउंड इन रोहित क्लोसेट, रोहित के क्लोसेट में क्या ये जो स्ट्रेंज साउंड था वो कौन कर रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा द कैट वाज मेकिंग the strange sound in Rohit's closet। यह हो गया हमारा आंसर थ्री का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैट इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बिल्ली का क्या नाम है। तो इस कहानी में जो बिल्ली का नाम रहता है द नेम ऑफ द कैट इन दिस स्टोरी इज डेजी।
इस कहानी में बिल का क्या नाम रहता है? डेजी नाम रहता है, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी इज दिस? ये कहानी जो है ये किस तरह का है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन ए है टॉल टेल, ऑप्शन बी नॉन फिक्शन, ऑप्शन सी मिस्ट्री, ऑप्शन डी फेबल। तो ये जो है हमारा स्टोरी किस टाइप का था? ये है हमारा नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन, तो हमारा जो ऑप्शन बी है उसमें हम टिक लगाएंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ये जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को लिखवाया है, ये क्वेश्चन आंसर आप अपने फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।